नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के पड़रही गांव से आया और हम लोग मौके पर आ चुके हैं। चलिए चल के देखते कहां पे और कौन सा सांप है। कौन सा कोबरा लग रहा है? कोबरा है, लू है। स्टिक से स्टिक्स निकल दी। और यहां पर हमें पहला इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप मिल चुका है। इसके अलावा एक और सांप बताया जा रहा है जो यहां पर है, तो हम लोग पहले इसको सुरक्षित ढंग से पैक कर लेंगे, उसके बाद दूसरे सांप को ढूंढेंगे। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि नाग, इसे फिटार भी कहा जाता है, इसे गिवन भी कहा जाता है और कई जगह इसका नाम खरीश होता है। जिस तरह से हम लोग सांपों को ट्रीट कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें, आप लोग कभी भी सांपों को ऐसे पकड़ने की, ऐसे ट्रीट करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब आप लोग करेंगे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आप लोग के पास सांपों से जुड़ी जानकारी व प्रशिक्षण नहीं होगा। हम लोग ऐसा करते तो हमारे पास सांपों से जुड़ी पूरी जानकारी होती, पूरा प्रशिक्षण होता है व काफ़ी दिनों का अनुभव भी होता है। और आप लोग देख सकते हैं यह एक बेबी कोबरा स्नैक है, मतलब कि सांप का बच्चा है जो अभी 2.5 से 3 महीने का होगा। इसको पैक करने के बाद हम लोग दूसरे सांप को भी ढूंढेंगे और सांपों को यहाँ से ले जाने के बाद इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। अक्सर वयस्क सांपों की अपेक्षा छोटे सांप ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, मतलब कि बड़े सांपों की अपेक्षा जो छोटे सांप होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं और साथ में ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो हमें बड़े सांपों की अपेक्षा छोटे सांपों से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप लोग देख सकते हैं ये बार बार बाइट करने का प्रयास कर रहा है और जैसे ही इसे मौका मिलेगा ये बाइट कर लेगा, और आप लोग देख सकते हैं इसने बाइट कर भी लिया। और ताजुब की बात यह है कि इतना छोटा होते हुए भी इसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेनम यहाँ पर निकाल दिया। आप लोग देख सकते हैं सूझ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जहर निकल गया है। अगर ये किसी इंसान या फिर जीव के शरीर में चला जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है, अगर उसे सही इलाज ना मिले तो। क्यों नहीं दिखेगा, पानी की तरह रहता है, पानी की तरह रहता है। हाँ, पीले रंग में रहता है हल्का, लेकिन यहाँ पे काला आपको नजर आएगा। जूता काला रहा, मतलब जूता है। आप लोगों को नहीं काट रहा है क्यों? अभी तो काटा है, काटेगा। नहीं, जैसे हाथ में पकड़े हैं। हम लोगों को ट्रीट करने का तरीका पता रहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं काट सकते, हम लोग भी काट सकते हैं, कभी भी काट लेते हैं। बहुत ज्यादा है इसमें, छोटा है ना, छोटे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं छोटे बच्चे। अरे वो दो बता रहे थे कहीं पे एक हो ना, हाँ तो उसको भी खोजते हैं ना, इसको रख लेने के बाद भूख रहा है। हां, बीच देखो तो निकल, इनके जूता पर कटौना था, जूता देके पकड़ ले लाए।
अरे हम भाई देख के डरा के लिए मतलब इनके पूछ पूछ में मतलब बीक नहीं होती ना? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता है। इधर लिखा जी, सब जगह लिखा जी, इसको नीचे लिखा जी, इधर ही छोड़ी, इधर साफ छोड़ दीजिए, रख दीजिए उधर उधर उधर। अब दे दीजिए, निकाल लेंगे। घरवा में कीड़ा निकला मेहनत से ना बखन कर। हम लोग पहले सांप को सुरक्षित ढंग से रख चुके हैं, अब हम लोग दूसरे सांप को भी ढूंढते हैं क्योंकि उसको भी यहां से निकालना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसे मार देना बाबू, नहीं मारे का अंडे है तो कोबरा है ना, सब अंडे का खाली हो चुका। अंडा क्या है, इसमें तो खाली हो गया, इसी में से निकले सब अंडे खाली है। खालू एक दिखाइए, फ्री है इसमें है। अंडे हो रहे हैं, अंडा भरा है, खाली है, अंडा उठाइए, खाली बड़ा वाला भी होगा हमको लग रहा है, बिल तो ऐसा है बड़ा वाला। उसको तो उठा दीजिए, उसको बड़ा वाला था भी ना, उसके बच्चे निकले हैं, बड़ा वाला तो इसके आसपास कहीं रहता होगा, हो सकता है अभी नहीं हो, हो भी सकता है। उसको उसको मट्टी को ध्यान से निकलवाइए, फावड़े से ये मट्टी टाल लीजिए। यहाँ पर मट्टी खोदने के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा कोबरा सांप के अंडे के छिलके मिले हैं जिसमें से बच्चे बाहर निकल चुके हैं, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आसपास अन्य सांप भी हो सकते हैं, मतलब कि और भी सांप हो सकते हैं क्योंकि करीब 8-9 के आसपास अंडे के छिलके हमें मिल चुके हैं यहाँ पर खुदाई करते वक्त, तो हो सकता है कि 1-2 या 3 सांप और भी मिल सकते हैं, हो सकता है बड़े कोबरा सांप मेल फीमेल में से कोई मिल जाए, तो हम लोग ढूंढते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और करीब 1 घंटे तक लगातार खुदाई के बाद हमें अन्य कोई सांप नहीं मिला है, तो हम लोग इस सांप को रिलीज करने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है क्योंकि ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर ये अपनी बागी की जिंदगी अच्छे ढंग से बिता लेगा। हमारा वीडियो हमारे काम को कैसा लगा कमेंट करके जोता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।